दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 2 पद लिखा हुआ है, मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि उसके तंबू बनाने के पेशे के कारण वे उसे सांसारिक न समझे, क्योंकि वह पसीने से तर बतर और गंदे हाथ के लिए होता है। वे उसे इसी के आधार पर आंकते थे। मित्रों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पौलुस जो उस नगर में रहता था स्वयं परिश्रम करता था, तंबू बनाता था और उसे जो उसे पैसे मिलते थे उसके द्वारा अपने जीविका और सेवकाई भी करता था, जिससे लोग देख करके सोचते थे कि यह एक साधारण व्यक्ति है, तंबू बनाने वाला व्यक्ति है, यह परमेश्वर का जन या सेवक या प्रेरित नहीं है। ऐसा कुछ लोगों का मानना था और इसीलिए पौलुस उनसे बातें करता है। तब हम आगे देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 पद में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ध्यान दीजिए, शरीर के लिए काम में लिए गए यूनानी शब्द को 3 संदर्भों में काम में लिया जाता है। शरीर अर्थात शरीर का मसल भाग, दूसरा मानसिक दुर्बलता और तीसरा हमारा भ्रष्ट और पतित स्वभाव या आत्मिक अर्थ है। इस प्रकार इस शब्द का उपयोग शारीरिक संदर्भ में, मानसिक संदर्भ में और आत्मिक संदर्भ में किया जाता था। पौलुस तीनों संदर्भों में इसका उपयोग करता है, परंतु अधिकतर आदम के पतित स्वभाव के संबंध में। हम रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरी देह में कोई अच्छी बात नहीं है। वह हमारे पतित स्वभाव के बारे में कह रहा है। वह देह शब्द को आत्मिक रूप में व्यक्त कर रहा है जब वह कहता है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। वह यहाँ शरीर शब्द को मानसिक संदर्भ में काम में ले रहा है। पौलुस कहता है कि वह शरीर में चलता फिरता है। मेरे विचार में वह शारीरिक शक्ति में कुरिन्थ नहीं आया था, वह शरीर की दुर्बलता में कुरिन्थ आया था और उसका युद्ध आत्मिक युद्ध था। उसने इफिसियों को लिखे पत्र में कहा था 6 अध्याय के 12 पद में, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। पौलुस एक साधारण मनुष्य के रूप में वहां नहीं गया था जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर आश्रित हो। पौलुस ने प्रचार प्रसार की विधियां और मानवीय क्षमता एवं प्रयास द्वारा व्यवस्था करने की चेष्टा नहीं अपनाई थी। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके सहयोग या कहें सदुपयोग का समय हमारे पास नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि पौलुस उन पर भी निर्भर नहीं था। वह एक प्रभावी व्यक्तित्व का मनुष्य नहीं था और न ही वह बुद्धि आत्मिक शब्दावलियां, नाना प्रकार की उद्धरण और कर्णाकर्षक भाषा का उपयोग नहीं करता था। वह किसी के विरोध में प्रचार करने नहीं आया था। जी हाँ, वह कुरिन्थ नगर की सफाई करने भी नहीं आया था और न ही वह कुरिन्थ वासियों द्वारा अभियान के आयोजन हेतु आमंत्रित किया गया था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 2 पद में उसने कहा, मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे मध्य यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। पौलुस के मन में युद्ध क्षेत्र का विस्तृत परिदृश्य स्पष्ट था। उसे स्वर्ग जाना या पाना था और नरक का त्याग करवाना था। वह आत्मिक युद्ध में था जिसमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता होती है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं जहाँ पर पौलुस कहता है कि हम देह में हैं, परंतु हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों से है जिसमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है। हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं।
ध्यान दीजिए, यह अतिरिक्त वाक्य है और इसमें पौलुस आत्मिक हथियारों की सूची नहीं देता है। आत्मिक युद्ध का अर्थ है कि हमारा वैरी भी आत्मिक है। आत्मिक वैरी का अर्थ है कि आत्मिक हथियार। हमें बताया गया है कि हमारे पास कुछ आत्मिक हथियार हैं और वे सामर्थी हैं, वे प्रभावी हैं। क्या आप उन आत्मिक हथियारों को पहचान सकते हैं जिनकी हमें आज आवश्यकता है? मेरे प्रियो, हमारा पहला हथियार परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास होना है। यह आत्मा का वचन है। पौलुस दर्शन शास्त्र और धर्म के गढ़ कुरिन्थ नगर में परमेश्वर के वचन का हथियार लेकर आया था। उसने वहां इसी हथियार का उपयोग भी किया था। पौलुस इफिसियों को लिखता है 6 अध्याय उसके 17 पद में, उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पौलुस ने अपने विश्वास की तलवार ली और उसकी धार पर निर्भर किया। उसने लिखा रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 16 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जी हाँ, हमें भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास होना है। हमें धर्मशास्त्र की प्रेरणा पर भी विश्वास करना है। यह एक धर्म सिद्धांत नहीं है। मैंने एक प्रचारक का प्रचार सुना जो बाइबल प्रेरित वचन मानता है। उसने उसे कविता, धार्मिक शब्दावलियां और सूक्तियों आदि का अत्यधिक मनोहर उपयोग किया है। उसके पास दार्शनिक तर्क था, परंतु वचन की शिक्षा नहीं थी। क्या मैं कह सकता हूँ कि यह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना नहीं है और न ही वचन को हथियार बनाना है? मैं प्रेरित वचन में विश्वास करता हूँ जिसमें उत्पत्ति की पुस्तक और विशेष करके सृजन की कहानी आती है। मैं नरक में भी विश्वास करता हूँ। सच तो यह है कि मैं आरंभ से अंत तक बाइबल में विश्वास करता हूँ। मेरे मित्रों, यह आत्मा का वचन है। यह हमारे हथियारों में से एक है। दूसरा हथियार है आत्मा की उपस्थिति। ध्यान दीजिए, पौलुस अपनी मानवीय दुर्बलता को समझाता है। वह जानता था कि उस पर पवित्र आत्मा की मोहर है और पवित्र आत्मा ही का सामर्थ्य उसे प्राप्त है। हमारे युद्ध में तीसरा हथियार है प्रार्थना। यह सच है कि कुरिन्थ को लिखे दोनों पत्रों में प्रार्थना के विषय बहुत कम कहा गया है, परंतु पौलुस को प्रार्थना में विश्वास था। इफिसियों को लिखे पत्र में वह प्रार्थना को एक आक्रामक हथियार भी कहता है। 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जी हाँ, हर पल हर समय प्रार्थना करने की प्रेरणा या अगुवाई पाने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इस आत्मिक युद्ध में योद्धा ही विजय पाते हैं। यहाँ मेरे कहने का अर्थ अपनी विजय से नहीं है, हमारी विजय परमेश्वर की महिमा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। अब आप कहेंगे कैसे? मसीह में और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम सबको तो मसीह में नहीं ला सकते, परंतु परमेश्वर का वचन अवश्य ही सुना सकते हैं। हमारे आज के समय मसीह की गवाही के खुले द्वार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विजयी नहीं हैं तो भी सफल तो हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक लोग उसके वचन को सुने। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर
यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। विपक्षियों से पौलुस कहता है, जैसा वह मसीह का है वैसे हम भी हैं। जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। पौलुस के पास प्रेरित होने का अधिकार था जो उनके विनाश के निमित्त नहीं निर्माण के निमित्त था, विश्वास में उनके विकास के लिए था। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। पौलुस नहीं चाहता था कि उसका पत्र निर्भीक और डराने वाला हो, परंतु उनके बीच अति दीन हो। मेरे विचार में इससे प्रकट होता है कि पौलुस एक आकर्षक व्यक्ति नहीं था। पौलुस का प्रचार सुनकर लोगों पर स्पष्ट प्रकट होता था कि वह अपने शारीरिक ऊर्जा या वाक्पटुता या अपने व्यक्तित्व के आकर्षण द्वारा प्रचार नहीं करता है। मेरे विचार में वह देखने में अत्यधिक दुर्बल व्यक्ति दिखाई देता था। अति संभव है कि वह न्यायियों के युग के शमशोन जैसा रहा होगा। लोग उसे जानते थे कि वह परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ से पूर्ण था। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। पौलुस की बातों में यहाँ कुछ उपहास मिश्रित है। कुछ लोग अपनी तुलना आपस में ही करते हैं और यही एक कारण है कि हमारी कलीसियाओं के सदस्य प्रायः सोचते हैं कि वे विशिष्ट हैं। वे सोचते हैं कि वे कुलीन हैं, असामान्य हैं, आत्मिक हैं, क्योंकि वे अपने ही समुदाय में से अपनी तुलना करते हैं। मेरे मित्रों, यह हमारा मापदंड नहीं है। यह आज की एक त्रासदी है। अपनी कलीसिया में कोई शिथिल हो सकता है और स्वयं शिथिल हो जाता है और उसे इसका बोध भी नहीं होता है, क्योंकि वह अपने साथ के शिथिल विश्वासियों से अपनी तुलना करता है। हमें वास्तव में ऐसे विश्वासियों में होना चाहिए जिनमें हमें चुनौती मिले। अधिकांश विश्वासी जो किसी छोटे समूह या कलीसिया में होते हैं और उन्हें आत्मसंतोष हो जाता है, क्योंकि वे सब एक ही नाव में होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। कुरिन्थ के विश्वासियों की शिकायत थी कि पौलुस उनसे भेंट करने नहीं आएगा। वह अन्य स्थानों में समय गंवा रहा है और उनकी चिंता नहीं करता है। आज अनेक विश्वासी अपने पास्टर से भी यही शिकायत करते हैं, क्योंकि वह उनसे भेंट करने और समय बिताने उनके घर नहीं आता है। वे यथासंभव अधिक से अधिक उसका समय चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि पास्टर सदस्यों को सहलाने पुचकारने में अपना समय लगा दे, तो वह प्रभु का समय व्यर्थ में गंवा रहा है। उसे अपना समय उन लोगों को देना है जो सहायता की घोर आवश्यकता में हैं। उसे परमेश्वर के वचन के अध्ययन में भी समय लगाने की आवश्यकता है, ताकि सही वचन अपनी कलीसिया को दे सके। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा
त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। ध्यान दीजिए, पौलुस उनसे कहता है कि वे यह ना भूलें कि वही था जिसने सबसे पहले उन सबको सुसमाचार सुनाया, जिसके लिए उसे अपने घर से एक लंबी यात्रा करके वहां आना पड़ा था। वह उन्हें यह भी स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य उनका पास्टर बनना नहीं था, उसकी बुलाहट एक प्रचारक की थी। वह अपना काम करके आगे बढ़ जाता था, वह सदैव आगे सीमा की ओर बढ़ता रहता था, वह किसी और की नींव पर निर्माण नहीं कर रहा था। हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10:17-18 पद में पढ़ते हैं, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। जी हाँ, हम प्रभु के समक्ष प्रशंसा के पात्र हों तो अच्छा है, यह हमारे लिए चेतावनी है। जब तक आपको किसी की बुलाहट का भेद समझ में ना आए, उसकी आलोचना ना करें। किसी को आपसे घर आकर भेंट करने का वरदान प्राप्त है, तो किसी को मंच से प्रचार करने का। यदि आपके पास ऐसा सेवक है जिसे प्रचार करने का वरदान प्राप्त है, तो उसकी आलोचना ना करें, उसे वचन की तैयारी का समय दें। यदि वह अपना उपदेश तैयार करने में समय लगाता है, तो वह घर घर भेंट करने में समय नहीं दे पाएगा। यह भी हो सकता है कि एक सेवक बौद्धिक प्रचारक होने की अपेक्षा एक अच्छा व्यवस्थापक है, तो यह उसका वरदान है। वरदान का पता लगाकर उस सेवक की उस दिशा में सहायता करें कि वह अपने वरदानों का भरपूर उपयोग करे। यदि वह आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाता है, तो उसकी आलोचना न करें। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कह रहा है कि वह परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार काम कर रहा है, उसे प्रचारक होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और वह अपना काम कर रहा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 11 को देखेंगे, जिसका विषय होगा पौलुस की प्रेरिताई का समर्थन। यह अध्याय पौलुस का अति व्यक्तिगत एवं हार्दिक पत्र है। पौलुस उन्हें स्मरण दिलाता है कि वे जीवित मसीह से जुड़े हुए हैं। वह उनके लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है, और मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि इस पत्र का संदेश मेरे लिए तो बहुत लाभकारी रहा है। मैंने इसके अध्ययन में बहुत समय लगाया है, और मैंने यह पाया है कि इसमें मेरे लिए एक अति उत्तम संदेश है। कुरिन्थ को लिखे इस दूसरे पत्र के इस अंतिम अध्याय में पौलुस की बुलाहट का विवरण है। अध्याय 10 में हमने पौलुस की प्रेरिताई का अनुमोदन देखा था, और अब इस अध्याय में हम पौलुस के व्यक्तिगत विचार को देखते हैं जो उसकी प्रेरिताई के समर्थन के हैं। तो आइए हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1-2 पद। लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूँ। ध्यान दीजिए, पौलुस ने कुरिन्थ आकर सुसमाचार सुनाया और विश्वास करने वालों को मसीह से जोड़ा, परिणाम स्वरूप वहाँ कलीसिया की स्थापना हुई। जिन लोगों ने मसीह यीशु के वचन को सुना और विश्वास किया, वे परमेश्वर की संतान कहलाए।